नमस्कार दोस्तों, मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट से कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, सी टाइप चार्जिंग, जो आपके अब मार्केट में जो फोन आ रहे हैं आजकल, जो चल रहे हैं मोबाइल फोन, उनमें ज़्यादातर मोबाइल फोनों में सी टाइप चार्जिंग जैक लगा हुआ आता है। अब उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, इसकी पिन आउट, कौन सी पिन पर क्या होता है, कौन सी पिन पर डाटा है, किस पर डीवीएस की सप्लाई चलती है, कौन सी वाली ग्राउंड है। जो हमारे सी टाइप चार्जिंग जैक आते हैं, 12 पिन भी आते हैं, 14 पिन भी आती हैं, 16 भी आती हैं और 24 आती हैं। जो इसमें मेन पिन होती हैं हमारी, वो आपकी ये होती हैं, बस ये पिन आपकी ग्राउंड की है, जो ग्राउंड की है, और ये आपकी सप्लाई पिन है। जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है मोबाइल चार्जिंग के लिए, वो आपको जो रेड वायर होता है प्लस से, वो आपकी इस वायर में आते हैं, वी बस और ग्राउंड। ज्यादातर वी बस और ग्राउंड की पिन है, ये आपकी पिन ग्राउंड की दी गई है इसमें पिन, और ये आपके वी बस, ये हमारी पिन दी गई है ग्राउंड की। ग्राउंड होता हमारा ब्लैक या नेगेटिव, हम उसे ग्राउंड बोलते हैं। ये हमारी वी बस सप्लाई की पिन दी गई है, 5 वोल्टेज जो मोबाइल चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो हमारे इस पिन पर आते हैं, जिससे हमारा जो मोबाइल चार्ज होता है। जब तक ये दोनों पिन है ग्राउंड और सप्लाई पिन अटैच नहीं होगी, जब तक हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ये पिन केवल चार्जिंग के लिए होती है, इनसे डाटा कनेक्ट वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता है। अब नेक्स्ट पिन की बात करते हैं, SSRX प्लस और SSRX माइनस। ये आपकी पिनें होती हैं जो आप डाटा कनेक्ट करते हो लेने के लिए कंप्यूटर में है या लैपटॉप में, तो इसके लिए आपको जो रिसीव होती है, रिसीविंग आती है डाटा की, वो आप SSRX प्लस और माइनस पे आती है। इसे बोलते हैं सुपर स्पीड रिसीविंग डाटा, ये दोनों रिसीविंग के लिए होती है। उसके बाद आपकी जो डाटा की पिनें होती हैं, ये D-D+, D-D+, ये केवल आपका जो मोबाइल कनेक्ट होता है, जो पोर्ट बनाता है हमारा कंप्यूटर का, जो कम्युनिकेशन होता है, वो इन पिनों के द्वारा होता है। इससे हमारा प्रॉपर अटैचमेंट हो जाता है। अगर ये हमारी पिनें कनेक्ट नहीं होंगी तो हमारा मोबाइल पोर्ट नहीं बनाएगा सिस्टम के साथ, इसलिए ये पिन अटैच होना जरूरी है। उसके बाद SSTX प्लस, उसके बाद SSTX माइनस, SSTX प्लस, ये आपकी सुपर स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। जो आपका डेटा होता है इन पिनों के द्वारा सिस्टम में ट्रांसफर या रिसीव इन पिनों पर होता है और ट्रांसफर इससे होता है। और ये आपकी रिचार्ज और भी बस, ये केवल सप्लाई पिन होती है, इससे हमारे मोबाइल चार्जिंग जो होती है 5 वोल्टेज इन पिनों पर आते हैं। अब आपको देखने में लग रहा हो कि सारी डबल डबल पिनें दी गई हैं, तो ये डबल पिनें इसलिए होती हैं कि जो हमारा यू सी टाइप चार्जिंग जैक होता है, वो अगर हम पलट के भी लगाते हैं तो हमारी चार्जिंग में डाटा ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आई। कैसे भी पलट के हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं USB से, इसलिए हमारी डबल डबल पिनें होती हैं। ये हमारी ग्राम की दी गई हैं और ये सप्लाई पिन है, वीवो सप्लाई पिन। इससे क्या होता है, हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग होती है वो इन्हीं दो पिनों के द्वारा होती है। अगर ये पिनें अटैच नहीं होगी तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा, इसलिए ये दोनों पिन केवल चार्जिंग के लिए होती है, 5 पिन जाती है मोबाइल चार्जिंग के लिए। उसके बाद SSRX प्लस, SSRX माइनस, ये हमारा सुपर स्पीड जो रिसीविंग डाटा होता है लैपटॉप से या मोबाइल से लैपटॉप में डाला जाता है, वो इन दोनों पिनों से होता है, यानी डाटा लेना। उसके बाद D-D+ ये आपकी दी गई है, ये आपकी D-D+ आपको दी गई है पिन। इससे मोबाइल केवल हमारा मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट होता है, हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन कर पाता है इन पिनों की वजह से। अगर हमारे पिन ये वाली पिन अटैच नहीं होगी हमारे सिस्टम से, तो इससे हमारा पोर्ट नहीं बनेगा और हमारा मोबाइल कनेक्ट भी नहीं होगा अपने सिस्टम से। उसके बाद ये जो हमारी पिन दी गई है, ये डेटा ट्रांसफर के लिए होती है, SSTX माइनस, SSTX प्लस। इससे हम सुपर स्पीड जो आपका डाटा एकदम स्पीड में जो सेंड रिसीव होता है ना, वो इन पिनों की वजह से होती है, या फिर केवल डाटा रिसीव और ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। अगर ऐसे ही आपको आसान तरीके से बिल्कुल डेप्थ में प्रॉपर तरीके से सीखना है तो हमारे हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा में जरूर आए, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।